मेरे सहकारी मित्र वेणुगोपाल जी की व्यथा मैं मेरे सहयोगी वेणुगोपाल जी की व्यथा और कांग्रेस की कथा समझ सकता हूं। मैं मेरे जो सहयोगी मित्र हैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी के दुख पर हंसना यह अच्छा नहीं होता, किसी के दुख में आनंद व्यक्त करना यह हमारी संस्कृति नहीं है। हाँ, बजट की चर्चा हो रही थी तभी भी डिमोनिटाइजेशन की बात चल रही थी, आज भी कांग्रेस के सहयोगी ने डिमोनिटाइजेशन से शुरुआत की। अब ये डिमोनिटाइजेशन बोलते बोलते इनका इतना डिवैल्यूएशन हो गया कि उत्तर प्रदेश में तो ढूंढना पड़ेगा कि इनकी पार्टी है कहाँ। प्लीज प्लीज नो क्रॉस नो किरीट सोमय है जी, प्लीज नो क्रॉस टॉकिंग, प्लीज प्लीज। मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन देना चाहता हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने देश को वादा किया था कि इस बार की होली ये दिवाली की तरह होली और दिवाली दोनों मनाई जाएगी, और उसी प्रकार आज हिंदुस्तान ने होली और दिवाली दोनों त्योहार एक साथ मनाए। आप मणिपुर की बात कर रहे थे, आप गोवा की बात कर रहे थे, अब मणिपुर में अभी इसी क्षण मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने विश्वास का मत प्रस्ताव जीत लिया है। यस भाई, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड लाइक दिस। किरीट जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू। यस किरीट, अब मैं आपका दुख समझ सकता हूं, क्योंकि अब देखो उनकी व्यथा कि गोवा की बात कर रहे हैं, गोवा में उनकी पार्टी के सीनियर नेता नए जीते विधायक वो मतदान के समय पर एब्सेंट रहते हैं, मैं उनकी व्यथा समझ सकता हूं। Yes, please, please. 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। यस प्लीज सप्लीमेंट्री। अब उत्तर प्रदेश में इनको इनकी राजनीति देखो कि इनकी राजनीति ये बाप और बेटे को भी अलग कर देती है। उत्तर प्रदेश में खुद के स्वार्थ के लिए, खुद का अस्तित्व टिकाए रखने के लिए आपने बाप और बेटे को अलग किया, तो भी क्यों शुरुआत करी बेटी? माननीय अध्यक्ष महोदय, यस मैं डिमोनिटाइजेशन, मैं सप्लीमेंट्री ऑफ डिमांड के डिमोनिटाइजेशन पे विषय पर आता हूं। आपने कहा डिमोनिटाइजेशन पे चुनाव हो रहा है, आपने चुनाव में प्रचार में डिमोनिटाइजेशन, जीडीपी इतना नीचे जा रहा है, लाखों करोड़ों बेरोजगार हो गए, चुनाव का मुद्दा आपने डिमोनिटाइजेशन को बनाया। आप आज सप्लीमेंट्री डिमांड पे बात करते समय कहते हो कि जीडीपी नीचे गया, अभी जीडीपी किसका नीचे गया, हिंदुस्तान का या कांग्रेस का? जीडीपी हिंदुस्तान का भी बड़ा है, और जीडीपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा है। आज आपने बहुत बड़ा
मैं फरवरी की ये फरवरी के जो अधिवेशन हुआ उस समय पर जो इन्होंने फरवरी और उसके पहले जितने भी भाषण किए थे ये सब मैं निकाल के लेके आया बाहर या अंदर। और वो कह रहे थे गरीब खत्म हो गया, गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, करोड़ों गरीब सड़क पर आ गए। अरे करोड़ों गरीब सड़क पर आ गए, और उस समय पर लगभग 20 करोड़ 18 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, और उस मतदान पे सड़क पे कौन आया? हमारे मित्र पक्ष को सड़क पर आना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, जीडीपी ग्रोथ आप कह रहे थे कि जीडीपी इतना नीचे चला जाएगा, 6% 7% नीचे चला जाएगा। अभी तो इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया, अभी तो बजट भी आ गया, और सिर्फ जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हो। मैं मेरे आंकड़े नहीं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अभी अभी लेटेस्ट जो वर्ल्ड की टॉप 4 कंपनियां हैं, द प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स पीडब्ल्यूडी, इट इज वन ऑफ द टॉप 4, वन ऑफ द बिग 4 फाइनेंस कंसल्टेंसी फॉर, उसका रिपोर्ट मैं आपको कोट करूंगा, द प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म जस्ट रिलीज इट्स प्रेडिक्शन फॉर द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड इन 2030। रिपोर्ट टाइटल्ड द लॉन्ग व्यू हाउ विल बी द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज बाय 2050 रैंक 32 कंट्रीज बाय देयर प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय परचेसिंग पावर पेरिटी। और उसमें उन्होंने लिखा है 32 देशों को, 32वां देश कौन सा है? नेदरलैंड, 31 कोलंबिया, 30 साउथ अफ्रीका, 29 वियतनाम। और आगे बढ़ते हैं तो मेरे हिंदुस्तान को वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी हिंदुस्तान रहेगी, ये पीडब्ल्यूसी ने लिखा है। इंडिया विल बी ऑन नंबर 3 विथ 19.51 ट्रिलियन डॉलर एनुअल इकोनॉमी। नंबर 2 विल बी यूएसए विथ 23.47 ट्रिलियन, एंड नंबर 1 विल बी चाइना विथ 38 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। क्या परिस्थिति थी इनके राज में, कौन हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान कौन से नंबर पे था? और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे कभी कभी मैं इस प्रकार के रिपोर्ट देखता हूं तो मैं नहीं, आज पूरा हिंदुस्तान कहता है कि वो जो नोस्ट्राडोमस ने जो भविष्यवाणी की थी, तो उन्होंने कहा था कि पूर्व के देश से एक नेता उभर कर आएगा और वो हिंदुस्तान को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर ले जाएगा, वो नेता नरेंद्र मोदी है। बहनों और भाइयों, अध्यक्ष महोदय, मैं आगे ये कहना चाहूंगा, मेरे पास मौली जी का भाषण है। मौली जी ने कहा था बजट हैज टू बी टिमिड वन विदाउट एनी विल पावर। मोइली जी ने अपने भाषण में कहा था कि सिर्फ इंडिया एंड पाकिस्तान में डिमोनिटाइजेशन का इस प्रकार से उपयोग हो रहा है, और उन्होंने कहा था कि ये डिमोनिटाइजेशन इज गोइंग टू रूइन अवर इकोनॉमी, द गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग दिस इकोनॉमी। हिंदुस्तान तो रूइन नहीं हो रहा है, इकोनॉमी तो रूइन नहीं हो रही है, लेकिन जो मोदी जी को हर कदम पर इस देश की प्रगति को रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं वो जरूर रुइन हो रहे हैं। एक और गरीब कल्याण की बातें हो रही है, मुझे लगा था हमारे मित्र पक्ष कहेंगे गरीब कल्याण की दृष्टि से ये करना चाहिए,
गरीब कल्याण की दृष्टि से स्वास्थ्य में ये करना चाहिए, एजुकेशन में ऐसा करना चाहिए, गांव सड़क योजना में ये सुधार करना चाहिए। जो सप्लीमेंट्री डिमांड आ रही है तो उसकी दृष्टि से विज्ञान विद्यार्थी, लेकिन हमारे मित्र पक्ष ने सप्लीमेंट्री डिमांड को भी एक राजनीति का भाषण का एक संसद को एक स्थान बना दिया। गरीबी और कांग्रेस, किसान मजदूर और कांग्रेस। मुझे याद है मैं छोटा सा विद्यार्थी था, 1971 में भी कांग्रेस गरीबी हटाओ की बात कर रही थी और 2014 में भी गरीबी हटाओ की बात कर रही है। मुझे बताइए जो 1971 से इतने साल गरीबी हटाओ की जब बातें की तो इन 43 इयर्स कांग्रेस ने क्या किया? एक और आप 43 इयर्स कांग्रेस के ले लो और एक और हमारी जो सरकार अभी 33 मंथ भी नहीं हुए उनकी उपलब्धियां देख लो। आज हमारी सरकार ने गए 33 महीने में, मैं सिर्फ आज एनएचएआई का फिगर पढ़ रहा था, नेशनल हाईवे पे ये 11,000 करोड़ खर्चा करते थे, मोदी सरकार ने 78,000 करोड़ का प्रावधान ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आप ले लो ग्राम सड़क योजना ले लो, भले मनरेगा ये योजना किसी की भी हो किसी ने भी शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस उसकी हमेशा मनरेगा की क्रेडिट ले रही है। मनरेगा में आप बजट में लिखते थे 34,000 करोड़ प्रोविजन और खर्च करते थे 19,000 करोड़, और हम लिखते हैं 38,000 करोड़ का प्रावधान और गए साल पे मनरेगा पे 39,000 करोड़ खर्चा ये मोदी सरकार ने किया। स्वास्थ्य की दृष्टि से लो, सड़क की दृष्टि से लो, आज मेरे देश का इसरो एक साथ 104 सैटेलाइट ये ऊपर अवकाश यान भेजने का पराक्रम ये मेरे देश का वैज्ञानिक कर रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय, आज नरेंद्र मोदी सरकार पूरा गरीब कल्याण, हमने कहा डिमोनिटाइजेशन करेंगे और डिमोनिटाइजेशन में जो काला धन सरकार की तिजोरी में आएगा, जो टैक्स के स्वरूप पे आएगा, वो गरीब कल्याण योजना में उसका उपयोग होगा। और इसलिए हमने जो ये गए 30-33 महीने में पूरा गरीब कल्याण के ऊपर ध्यान दिया, गरीबी को ले 50 लाख उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर ये बीपीएल के नीचे के लोगों को देने का काम यह हमारी सरकार ने किया है। दूसरी ओर स्किल डेवलपमेंट का बजट इतना बढ़ाकर आज हमारे सामने एक लक्ष्य है कि आने वाले 2.5 साल में 5 करोड़ लोगों को हम ट्रेनिंग दें, उनको जो वर्किंग फोर्स है उनके आय बढ़ाने का प्रयत्न है। दूसरी ओर पावर की बात करें तो आज सौर ऊर्जा जो 16 रुपये पर यूनिट था, आज जो लेटेस्ट टेंडर 4 रुपया पर यूनिट पे आ रहा है। और इसके लिए अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि ये सप्लीमेंट्री डिमांड है, इसके लिए इसमें ज्यादा लंबा भाषण न करते हुए मैं पुनः एक बार ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और सप्लीमेंट्री डिमांड पे जो मेरे सहयोगी ने ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड रखी है कि आज पारदर्शकता की ओर मोदी सरकार आगे बढ़ रहा है। हम सब मिलकर ये सप्लीमेंट्री डिमांड मंजूर करें और जो जीडीपी ग्रोथ विकास विकास फॉर गरीब इस दिशा में आगे बढ़े। धन्यवाद। आपके प्रधानमंत्री ने मीरठ के भाषण में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वो पीओके नहीं रहा, भारत ने अपना अधिकार भूल लिया। इसका प्रश्न का जवाब निशिकांत जी आपको देना होगा।